हेलो माय फूडी फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कानपुर के नए एपिसोड में आप लोग का वेलकम है। तो आप लोग के बहुत कमेंट आ रहे थे भाई, कई दिन से कमेंट पेंडिंग पड़े हुए थे भाई, सम्राट छोले भटूरे। तो आ चुके आज रतन लाल नगर में सम्राट छोले भटूरे शॉप पे। तो चलिए दिखाते पहले आपको लोकेशन, तो देखते आज क्या यहाँ मिलेगा खास भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आप लोग मार रहे थे कि भाई सम्राट छोले भटूरे की वीडियो कब आने वाली। तो आ चुके आज फिलहाल हम लोग सम्राट छोले भटूरे। तो चलिए दिखाते लोकेशन, फिर बात करते चलते और ट्राई करते, देखते आज क्या मिलने वाला है यहाँ छोले भटूरों में, क्योंकि भाई जब इतने फेमस हैं आप लोग के कमेंट नहीं रुक रहे थे भाई, रोज़ आप लोग के कमेंट आ रहे थे हर एक वीडियो में, तो भाई बनता था वीडियो। तो आ चुके हैं आज, चलिए दिखाते लोकेशन, फिर चल के बात करते हैं, फिर देखते मेकिंग कराते हैं और ट्राई करते हैं कि छोले भटूरे। तो भाई चलिए देखते सम्राट छोले भटूरे शॉप के लोकेशन। तो जब आप आ रहे होंगे शास्त्री चौक चौराहे से और जा रहे होंगे दबौली के लिए, तो आपको रतन लाल नगर में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप से जैसे ही आगे चलेंगे सब आपको मंदिर के पीछे लेफ्ट साइड में मिल जाएगी। और इधर से जब आ रहे होंगे दबौली साइड से और जा रहे होंगे शास्त्री चौक वाले चौराहे के लिए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा दिख रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा से जैसे ही थोड़ा आगे चलेंगे आपको सौ तो यही शॉप आपको राइट हैंड में मिलेगी, सम्राट छोले भटूरे नाम नेताजी कोल्ड ड्रिंक्स फेमस लैंड ये भी हैं और ये भी फेमस है। तो चलिए चलते शॉप पे और बात करते हैं और बनवाते हैं आज अपने छोले भटूरे, ट्राई करते भाई, देखिए आज क्या टेस्ट मिलता है यहाँ पे। तो गाइस चलिए आगे शॉप पे बात कर लेते हैं। तो इससे पहले सब कुछ तो बाद में पूछेंगे आपसे, पहले ये बताइए ऐसा क्या खिला रहे हैं जो हमारे सब्सक्राइबर इतने दिन से परेशान है कि भाई सम्राट जी के छोले भटूरे बनाइए। भाई देखिए आज 22 साल हो गए हैं, 22 साल हो गए, इतना बढ़िया टेस्ट है, इसलिए जो कस्टमर परेशान रहता है। क्वालिटी क्वान्टिटी बेस्ट चल रही है, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं, कोई समझौता। वैसे आपका नाम क्या है? जी दिनेश कुमार। और कितने साल? 22 साल से खिला रहे हैं। और टाइमिंग क्या शॉप की? 7:30 से 4। 7:30 से 4 जी, मतलब सुबह से लेके शाम तक थोड़ा चल जाता है, रात तक नहीं दे रहे हैं, रात तक नहीं खिला रहे। तो ये बताइए क्या क्या है वैसे आपके पास? छोले भटूरे है, आलू कुलचे है, पनीर कुलचे है, मिस्सी रोटी है, खीर है। खीर भी खिला रहे हैं जी। तो प्राइस वगैरह क्या है वैसे? 50 रुपये खीर है, छोले भटूरे 40 रुपये प्लेट है, कुलचे 50 रुपये प्लेट है, आलू का पनीर 110 रुपये प्लेट है, चावल 50 रुपये प्लेट है। तो मुझे क्या रिकमेंड करेंगे आज खिलाने के लिए? आप जो चाहेंगे। लोग तो कह रहे थे छोले भटूरे ट्राई कर लीजिए। बिल्कुल करिए। तो छोले भटूरे ट्राई करते हैं। छोले भटूरे प्लेट कितने की है? 40 रुपये। 40 रुपये प्लेट है। तो चलिए भाई लगवाते हैं अपने छोले भटूरे, मेकिंग करवाते हैं और क्वालिटी तो दे ही रहे हैं 22 सालों से, तभी लोग खाने आ रहे हैं। और भीड़ के नज़ारे तो आप देख ही रहे हैं कि अंदर और बाहर भीड़ की कमी नहीं हो रही है। ना ना ना, हमें खड़े होने की जगह नहीं मिल रही। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए तो प्रशासन और शासन परेशान है मेरे लिए। अच्छा, तो चलिए वैसे कुछ नहीं तो आपके यहाँ काफ़ी लोग आते हैं खाने के लिए। जी जी जी, बहुत। तो चलिए मेकिंग कराते हैं, छोले भटूरे की प्लेट लगवाते हैं, फिर ट्राई करते हैं आपके साथ टेस्ट शेयर करते हैं। सो गाइस चलिए भटूरों की मेकिंग होने जा रही है। तो भैया ही बना रहे भटूरे और छपाक से जाने वाले ऑयल के अंदर, क्या बात है, डालने का स्टाइल ही नहीं डाला है। भटूरा नाश में जाए चैलेंज इस बात का, देखना आप जाने वाला फिर से दूसरा वाला ये आया। तो चलो भाई भटूरे अपने पक चुके हैं, बाहर निकल रहे हैं, चलते हैं देखते छोले वगैरह भी और लगवाते हैं अपनी प्लेट, फिर ट्राई करते हैं। भटूरा पूरा फूल गया है और जब तक भटूरे फूल ना जाए खाने का मज़ा नहीं आता है। सो गाइस चलिए लगवाते हैं अपनी प्लेट। तो ये आ रहे हैं छोले ज़बरदस्त और ग्रेवी तो भाई बहुत ही टाइट है इनकी। और ये क्या है, मतलब सूखे छोले। और ये आगे इनकी चटनी, स्पीड पकड़ नहीं पा रहे, इनकी स्पीड बहुत तेज़ है। और ये आगे हरी मिर्च और ये आ गया स्पून और ये आ रही सूखी ली सब्जी और ये हो गया रायता और ये आ गया मिक्स वाला अचार और ये क्या है, अदरक मिर्चा, भाई क्या बात है। 75 काटो थे और आ रहा है ये अपने भटूरे। तो चलिए ट्राई करते हैं आपके साथ टेस्ट शेयर करते हैं। सो गाइस चलिए आ चुके हैं फाइनली छोले भटूरे रेडी होकर के। तो बहुत डिमांड वाले आज छोले भटूरे खा रहे हैं, इतने दिनों से डिमांड चल रही थी अब आ पाएँ। तो सबसे बेस्ट चीज़ तो इनके ऊपर अदरक डाल के दी गई छोले पे, जो कि अभी तक नहीं मिली थी। और जो बड़ेली मिर्च दी गई है ये अभी तक ये भी कहीं नहीं मिल रही थी। तो चलिए ट्राई कर लेते हैं। और ड्राई छोले अलग से इसमें ऐड करे जाते हैं ग्रेवी अलग के साथ में और बूंदी का रायता, नॉर्मल खट्टा है। तो एक दो बाइट और खाते हैं।
कि फाइनली टेस्ट शेयर करते हैं आपके साथ। तो हरी मिर्च में है ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन खाने का मज़ा कुछ और आएगा। ट्राई करते हैं नेक्स्ट बाइट में। मज़ा आ रहा है खाने का। अब सूखी वाली सब्जी भी ट्राई करते हैं, आलू मटर की बनी हुई है। बहुत यम्मी है। और जो अदरक खाना नहीं पसंद करते हैं ना लीजिएगा, लेकिन ऊपर से जो अदरक डाल के छोले पे दी जा रही है वो टेस्ट को बिल्कुल चेंज कर रही है। स्पाइसी वाली भी खा ले थोड़ी। तो धांसू छोले भटूरे लगे, और जिन्होंने रिकमेंड किया था उनको थैंक यू बहुत ज़्यादा। टेस्ट कर करते थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है। तो सब्जी में आलू बहुत अच्छे से बॉयल है इनकी, और मटर भी काफ़ी सॉफ्ट है, मतलब टाइट वाली मटर नहीं है, तो उसका भी टेस्ट बिल्कुल हट के आ रहा है। और उसमें जो इसमें ऊपर अदरक ऐड करी गई छोले में, और साथ में जो मिर्च दी जा रही है वो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल भी तीखी नहीं है। तीखी वाली मिर्च अलग से मिल रही है खाने के लिए। अगर स्पाइसी खाना पसंद हो तो ट्राई कर लीजिएगा, और क्वान्टिटी भी काफ़ी अच्छी है, प्राइस के हिसाब से बहुत कुछ मिल रहा है। तो चलिए फिनिश करते हैं अपनी प्लेट, आप भी आइए ट्राई करिए आकर के। बहुत दिनों से परेशान थे तो आज फाइनली खा ली सम्राट जी के छोले भटूरे हम लोगों ने। सो गाइस फाइनली फिनिश कर लिए हम लोगों ने सम्राट जी के छोले भटूरे, और ग्रेवी वगैरह छोले की मज़ेदार थी, ऊपर से ड्राई छोले भी ऐड करके दिए गए थे। तो ये तो अभी तक कहीं नहीं मिला था ड्राई छोले, जैसे कि राजकुमार जी के यहाँ ट्राई करे हुए हैं तो उनके यहाँ दम आलू ऐड कर देते हैं, लेकिन ग्रेवी ऐड करके ही दी जाती है उनके यहाँ पर। और मेवे वाली खीर वगैरह उनके भी मिलती है, इनके अभी काफ़ी कुछ हट के मिला। बेस्ट चीज़ प्राइस भी काफ़ी बेस्ट है इनकी प्लेट की, और काफ़ी क्वांटिटी भी बहुत सही है, मतलब खाने के बाद आपके अंदर पता चल जाए कि हाँ कुछ खाया हुआ है। तो चलिए अपना आज का वीडियो यहीं सेंड करते हैं। और आज का फैम आशीष शॉर्ट आउट जाता है बॉस गेमिंग और फिनिशर को, तो आप भी फैम आशीष के साथ जुड़िए और कमेंट करते रहिए, और अपना आज की वीडियो यहीं सेंड करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर लिए तो नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे फिर कहीं नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी बहुत बेस्ट मिली, खाने एक बार ज़रूर आना।